जय श्री राम धर्मो रक्षति रक्षितः सप्तशृंगी देवस्थान वनीच्या गडावरती धर्माच्या नावावर पशु हत्या करावी बळी द्यावा असा आदेश कोर्टाने अलीकडेच दिलेला आहे, पारित केलेला आहे। या संदर्भामध्ये या निर्णयाचा मी तीव्र शब्दामध्ये निषेध करतो आणि कोर्टाने या गोष्टीवरती फेरविचार करावा, हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मी आशा व्यक्त करतो। अन्यथा या घटनेविरुद्ध आमरण उपोषणाला मी बसणार आहे। त्याचबरोबर धर्मशास्त्रामध्ये कोठेही उल्लेख नाही, त्याच्यामध्ये आयुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, त्याचबरोबर मीमांसा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यके आदि, अश्वलायन सूत्र आदि जे धर्मग्रंथ आहे त्याच्यामध्ये कोठेही पशु हत्या आणि बळी द्यावा त्यामुळे देवता प्रसन्न होतात असा उल्लेख नाही। उलट पशु हत्या हे महापाप आहे, घोर पातक आहे असा संदर्भ आपल्याला आढळतो। त्यामुळे आणि एक प्रकारे संविधानाचा सुद्धा हा अपमान आहे, कारण की संविधानाचा अर्थ समविधान इति संविधान, की समानतेचा अधिकार या भारतवर्षातील सर्व सजीवांना आहे, माणसाबरोबरच प्राणीमात्रांना सुद्धा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे। त्यामुळे पशु हत्या थांबवावी असं मी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि न्यायालय, न्यायव्यवस्था आदी सर्वांना मी नम्र निवेदन करतो। अन्यथा आमरण उपोषणाला मी बसणार आहे। जय श्रीराम। अरे महादेव, जय मानव दुर्गा। नवरात्रि का पर्व चल रहा है। नवरात्रि के पर्व में हम 9 दिन माता की उपासना करते हैं और अपने बच्चों के भविष्य की कामना करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य, उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं हम। तो क्या किसी पशु की बलि देकर, पशु के बच्चे की बलि देकर हम अपने बच्चों की आयुष्य लंबी कर सकते क्या? बहुत दुख होता है कि बड़े तीर्थ क्षेत्र सप्तशृंगी माता मंदिर में जब बलि प्रथा बंद कर दी गई थी, वो हाई कोर्ट के द्वारा वापिस शुरू करवा रहे हैं। बहुत दुख होता है। हमें वैदिक परंपरा सूर्य रखनी है। वैदिक परंपरा के अनुसार भारत विश्वगुरु बन सकता है। तीर्थ क्षेत्रों में कत्ल खाने खोलने से नहीं है, तो तीर्थ क्षेत्र को कत्ल खाने बनने से सरकार, महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार रोके। बहुत दुख होता है। हर महादेव। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।